जहाँ हम लोग फंस गए थे एक जगह, जहाँ दो ऐसे पिलर है ना, जो वीडियोग्राफिंग करना है कैमरा अलाउड नहीं है। जो मैं थोड़ा सा पता क्या फैट भी का मतलब नहीं होता, मेरे से डबल आदमी है ना जो बॉल से निकल जाता है। तो आप अभी तो निकल गए थे। मैं क्योंकि मैंने शायद मैंने किस पाप किया होगा जिंदगी में, तो इसलिए मैं फंस गया था। तो आपने थोड़ा हेल्प किया, थोड़ा पुश करने की वजह से निकल गया, मेरे तो सांस बंद हो चुका था। तो गाइस हम निकल चुके हैं तांदी से, तांदी ब्रिज बहुत ही खुला खुला ब्रिज है। और अब जाएंगे यहाँ से उदयपुर, वो वाला उदयपुर नहीं, अलाउड में भी उदयपुर है, तो वहाँ जाएंगे अब। फिर सुबह जाएंगे फिर लोग यहाँ। तो गाइस यहाँ से है 6 किलोमीटर त्रिलोकीनाथ टेंपल, तो ये है यहाँ मेन गेट। ये हमारे सारे राइडर अभी चलेंगे यहाँ से 6 किलोमीटर आगे। चले चले तो भाई, चलो भाई चले फिर, लेट्स गो। जाना है, बर्थडे सेलिब्रेट करना है भाई। और 11 बजे जाएंगे, मनाली पहुंचना ही होगा। नहीं नहीं, वेट करेगा केक कुक के लिए और दे के रखा है। तो अकेला तो बैठेगा बंदा, क्योंकि हमको भाई पार्टी जाना ही है। क्यों भाई, चलो देखते हैं क्या होता है। तो गाड़ी मनाली फाइनली पहुँच गए। तो गाइस यहाँ से ना वापस जाने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे, और टाइम हो चुका है 6 बजने वाले हैं। तो 6 बजे के बाद वापसी हो सकती है, ऐसा कोई ज़्यादा ये नहीं, मुश्किल नहीं है। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं त्रिलोकीनाथ में, यहाँ जो मेन मार्केट है इधर से त्रिलोकीनाथ का। तो आज कुछ मार्केट खाली खाली सा लग रहा है, जिस तरह से हमको देखने को मिलेगा इधर। और ये हमारे राइडर जो है 100 की स्पीड से चलते हैं। Guys, कैसा ट्रैक? पहुंच गए लास्ट पॉइंट पे। तो कहाँ करना स्टे? यहीं करना स्टे? स्टे मनाली में बोल दिया। मनाली मनाली भाई, मनाली जाना मनाली। फाइनली बंदा सेलिब्रेट करेंगे, बर्थडे केक तो बनता है। अकेला भी कैसे करेगा? तो हमको जाना है वापस, तो हम दर्शन करेंगे भगवान का। चलो फिर हर हर महादेव का। किधर? इधर से चलते फिर। सो फाइनली हम जा रहे हैं मंदिर को, और ये वाला रास्ता एक गली है इस तरह की, और ये देख सकते हैं आप मड हाउस, बहुत ही पुराने मड हाउस हैं। लेना था कुछ? ये रहा मंदिर ना। तो यहाँ जूते को यहाँ उतारेंगे, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे जूते यहाँ लगे हुए हैं। यहाँ बहुत सारे जूते लगे हुए हैं। नोज भाई, जय शंकर महादेव। हर महादेव। हाँ जय हो, हर महादेव। जय शिव शंकर। हाँ हाँ
मैं बोलूँगा। सो फाइनली गाइज हमने यहाँ दर्शन कर लिए देवता के, महादेव के, तो त्रिलोक के दर्शन कर लिए हमने। तो भाई कैसा लगा आपको? बहुत ही अल्टीमेट जगह बहुत ही बहुत सोचा नहीं था कि आप पहुँचेंगे, भगवान ने हमको यहाँ पर दर्शन दे दिया। तो अंदर ना एक ऐसा है वो, उसके बारे में बताओ कुछ, जहाँ हम लोग फंस गए थे एक जगह, जहाँ दो ऐसे पिलर है ना, अंदर जो वीडियोग्राफिंग करना कैमरा अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है यहाँ। जो मैं थोड़ा सा पता क्या फैट भी का मतलब नहीं होता, मेरे से डबल आदमी है ना जो बोल से निकल जाता है। तो आप ही तो निकल गए? क्योंकि शायद मैंने किसी पाप किया होगा जिंदगी, तो इसलिए मैं फंस गया था। तो आपने थोड़ा हेल्प किया, थोड़ा पुश करने की वजह से निकल गया, नहीं तो सांस बंद हो चुका था। जो सेकंड वाला ना, सेकंड वाला बहुत वो भी हाँ। जब मैं सेकंड में आ रहा था मैं उस टाइम में भी फंस गया था। सेकंड में तो सोच लिया मैंने कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं गया था उस टाइम, लेकिन मैं भी फंस गया था थोड़ा सा। तो फिर मैंने प्रभु का नाम लिया, मैंने हर हर महादेव बोला, मैं एकदम से निकल गया था उस टाइम। बहुत अच्छा लगा। तो अब यहाँ से चलते हैं वापस गाइस, हर हर महादेव, शिव शंकर, बहुत मजा आ गया बोले ना। तो अब यहाँ से निकलते हम लोग त्रिलोकनाथ से, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आप लोग भी आ सकते हैं और अपने जो पाप पुण्य है उनको चेक कर सकते हैं। और ये तो हमारे खतरनाक राइडर, तो यहाँ से आगे ना गाइस जो खूबसूरत व्यू मिलता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। और आगे देख सकते हैं आप बिल्कुल स्नो, ये तो लगभग 5 से 10 फीट के आसपास होगा, ऊपर बहुत ज़्यादा है, 10 से भी ज़्यादा होगा। तो आप आइए यहाँ त्रिलोकनाथ में, हर हर महादेव, और बहुत ही शांति मिलती है यहाँ के। तो यहाँ से ना व्यू बहुत ही अच्छा मिलता है। अब थोड़ा हमारे मनोज भाई ना यहाँ थोड़ा स्टंट करने वाले हैं, थोड़ा जीरो मारेंगे। ये 2002 मॉडल बाइक है। देखिए मनोज भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मनोज भाई। ये मार पाव नहीं घूमे थोड़े आगे भाई। और ये जरा बहुत अच्छे स्टंट करते हुए। तो मैं इस पहाड़ की बात कर रहा था आपको, इस पहाड़ में ना बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई है और यहाँ से व्यू मिलता बहुत अच्छा। तो आप आ सकते हैं त्रिलोकनाथ और यहाँ भोले बाबा के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ ना जो वहाँ पर एक दो खंभे होते हैं अंदर मेन मंदिर में, जब जाएंगे आप, एक होता पाप का और एक होता धर्म का, पहला धर्म का होता, दूसरा पाप का होता है। तो गाइज हम तो निकल गया, मैं अभी निकल गया, भाई आप निकले, हाँ ये भी अच्छे से निकले। चलो निकले। तो ये नहीं निकला, ये कपल पार्टी, ये नहीं निकला पापी आदमी। तो अब यहाँ से हम जाएंगे वापस, अब जाएंगे मनाली। तो अब गाइज अब मिलेंगे आपको मनाली में, टाइम हो चुका है आप देख सकते हैं, टाइम 6 बजने वाला है। तो लगभग 9 बजे के आसपास हम पहुँचेंगे मनाली में, और फोटोज़ वाटोज़ यहाँ से लेते हैं। और एक बारी मैं आपको यहाँ से आपको 360 व्यू बता दूँ आपको कि कैसा है यहाँ। और आप यहाँ आइए, एक बहुत अच्छा है। और अपना जो धर्म और जो पाप का जो यहाँ जो अंदर मंदिर में जो खम्भे हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने धर्म किए, कितने पाप किए। रुक जा यार, रुक जा यार, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक तो फाइनली स्टे का मूड था, पर बट क्या करें, एक दोस्त का बर्थडे पार्टी, इसलिए हम लोग को जाना पड़ रहा है। तो अब मिलते हैं आपको मनाली में, मनाली में मिलेंगे आप सीधा। पक्का भाई, गाइस ओके।